एंड वेलकम टू SPM IAS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उनका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं और आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। SPM IAS एकेडमी स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर आंसर इन देयर रिस्पेक्टिव बैचेस व्हाट्सएप ग्रुप। सो आज का क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर। So this question is asking you to elaborate the process of constitutional amendment in India. First part of this question. Then the second part is asking you ki Indian constitution is said to be blend of both rigidity and flexibility, and it is asking you to justify this statement that how is Indian constitution blend of both rigidity and flexibility. दिस क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्क्स, दैट मीन्स आपको 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को आंसर करना है। वन फुल A4 शीट एंड अनदर A4 शीट, जिसका वन पार्ट आपको लिखना है। ऑन ऑल द A4 शीट्स यू हैव टू लीव मार्जिन ऑफ 1 inch ऑन बोथ द साइड्स एंड फ्रॉम द टॉप 1.5 inch। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पेपर 3 पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, एंड द रेफरेंस न्यूज पेपर फॉर दिस इज 14th January 2020। क्वेश्चन में जो डायरेक्टिव वर्ड है दैट इज जस्टिफाई। जब भी किसी चीज को जस्टिफाई करने को बोला जाता है तो आपको उसके आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं उस स्टेटमेंट के लिए, और साथ में एग्जांपल्स के साथ अपनी बात को प्रूफ करना होता है। तो जैसे अगर क्वेश्चन यहां पर जस्टिफाई करने को बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, तो आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स इसके सपोर्ट में देने हैं और एग्जांपल्स के साथ इस बात को प्रूफ करना है कि हाँ सही में ऐसा ही है। क्वेश्चन में मोटा मोटा 3 चीजों को आपको आंसर करना है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इट इज कमिंग फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट ऑफ द पॉलिटी, आपको कुछ अलग से इसके लिए नहीं करना है। क्वेश्चन में 3 चीजें हैं। पहला पार्ट जो है वो आपसे बोल रहा है प्रोसेस क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, इसको डिस्कस करिए। सो यू जस्ट नीड टू इलैबोरेट, आपको एक्सप्लेन कर देना है कि क्या प्रोसेस होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इंडिया में। सेकेंड पार्ट बोल रहा है जस्टिफाई करने को कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यहां पर पहले आप आर्ग्यूमेंट देंगे इन फेवर ऑफ रिजिडिटी, सेकेंड आप आर्ग्यूमेंट देंगे इन फेवर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, और एंड में बोल देंगे दैट इट इज अ ब्लेंड, इट इज अ सिंथेसिस ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, दिस क्वेश्चन इज अ स्टैटिक क्वेश्चन, इसमें कुछ भी अभी अभी के जो हाल फिलहाल की चीजें हैं वो इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पर आप जो इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे वो भी आप स्टैटिक लिखेंगे, जो आपकी बेसिक पॉलिटी की नॉलेज है। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में इंट्रोडक्शन दिया है, यहां पर मैंने बता दिया है कि कुछ होते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली कुछ होते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ होते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन USA का। इसके ऑपोजिट कुछ होते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि UK का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का सिंथेसिस है, वो रिजिड भी है वो फ्लेक्सिबल भी है, और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिड और फ्लेक्सिबल के जो इम्पॉर्टेंट अच्छे अच्छे फीचर्स हैं वो अडॉप्ट कर लिए हैं और उसको हमने यूज करा है। दिस कैन बी माई फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रोडक्शन। द सेकेंड एग्जाम्पल कैन बी जहां पर मैं आर्टिकल 368 में जो प्रोसेस होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का उसके बारे में लिखूंगा कि आर्टिकल 368 इस टाइप का प्रोसीजर देता है विच मेक्स अवर कॉन्स्टिट्यूशन अ ब्लेंड ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस इंट्रोडक्शन के थ्रू मैं रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ कहां से रहा है इसको भी ले डाउन कर डाला। थर्ड तरीका हो सकता है जहां पर मैं कोई एमिनेंट स्कॉलर होता है विच आर वेरी रिकॉग्नाइज्ड स्कॉलर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, उनको कोट करूं, जैसे कि केसी वेयर ने पहली बार बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फाइन बैलेंस ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। उन्हीं की बात से ये क्वेश्चन निकल रहा है। आप में से जिन लोगों ने लक्ष्मीकांत बुक को अच्छे से अगर पढ़ा है तो वहां पर आपको ये स्टेटमेंट दिख जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई आपको याद नहीं करने की जरूरत है। Nobody is expecting you to remember all the statement by big eminent scholars. ये सब आपको नहीं याद रखना है, but अगर आपने पढ़ा है याद रह जाता है तो that will help you in writing the introductions, और इसका कोई काम नहीं होता है।
सो एनी ऑफ द थ्री इंट्रोडक्शंस कैन बी यूज्ड, ऑल थ्री आर गुड इंट्रोडक्शन इन दिस आंसर. यहाँ पर कोई बेटर नहीं है, कोई खराब नहीं है, सभी अच्छे इंट्रोडक्शन है तीनों ही. सो आगे इंट्रोडक्शन के बाद देखते हैं कैसे इसका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वेयर यू हैव टू इलेबोरेट द प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे आंसर करेंगे. आपको बेसिक बात पता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है. इसमें से दो तरीके तो वो हैं जो आर्टिकल 368 में मेंशन्ड है. पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं. आर्टिकल 368 अंडर पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर आर टू वेज ऑफ द अमेंडमेंट. द फर्स्ट वे इज फॉर द नॉन फेडरल मैटर्स. यहां पर अमेंडमेंट जो होता है उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए. एंड फॉर द फेडरल मैटर्स स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के साथ साथ रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ द नंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर भी चाहिए होता है. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मैंशन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लेकर के. पहली बात होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और किसी स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है. दूसरी बात होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है. ऐसा नहीं है कि वो जो मेंबर हो वो मिनिस्टर हो या प्राइवेट मेंबर हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन द पार्लियामेंट. और तो और उसको प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन भी नहीं चाहिए. थर्ड बात है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर लोकसभा और राज्यसभा रेडी अग्री नहीं भी कर पाते हैं, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस अगर दोनों अग्री नहीं करते हैं. और चौथा प्रोविजन है कि अगर पास हो गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बाय, इफ इट इज नॉन फेडरल तो केवल पार्लियामेंट ने पास करना है स्पेशल मेजोरिटी से. इफ इट्स अ फेडरल मैटर तो स्टेट्स को भी रेटिफाई करना है. इन एनी केस अगर एक बार पास हो जा रहा है बिल बाय द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल. सो इस पर प्रेसिडेंट के पास कोई किसी भी टाइप का कोई वीटो नहीं हो सकता है. प्रेसिडेंट को अग्री करना ही पड़ता है जैसे ही बिल पास हो जाता है. सो ये चार चीजें भी आप मेंशन कर देंगे. इसके बाद आप एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, वो अमेंडमेंट जो कि आर्टिकल 368 से नहीं होते हैं. इसमें वो अमेंडमेंट आ जाते हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविजंस आर टॉकिंग अबाउट सम टाइप ऑफ द अमेंडमेंट्स. दीज आर नॉट कंसिडर्ड अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368, बट येस दीज आर मेकिंग द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आप इनके बारे में भी लिख देंगे दैट देयर आर सम अदर आर्टिकल्स विच आर प्रोवाइडिंग फॉर द अमेंडमेंट्स, बट दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज द अमेंडमेंट्स अंडर द आर्टिकल 368 एंड दे आर पास्ड ओनली बाय अ सिंपल मेजॉरिटी. इसका एग्जाम्पल है स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन कर देना. अगर किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज हो रही है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ सिंपल, एक मेजॉरिटी से पार्लियामेंट पास कर सकता है. एंड दैट आर नॉट इवन कॉल्ड एज द अमेंडमेंट बिल्स. उनको अमेंडमेंट बिल का नाम भी नहीं देते हैं, उनको एक सिंपल एक्ट की तरह से समझा जाता है, इवन दो दीज आर मेकिंग द अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये तरीके से आप इसको सिंपल एक भाषा में अपनी लिख सकते हैं. फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, ये जो है आप 15 मार्क्स दिया है ओवरऑल, बट मेंशन्ड नहीं है कितने मार्क्स का क्या है. यू कैन अज्यूम दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑफ क्लोज टू 5 to 6 मार्क्स में आप इसको आंसर कर सकते हैं. मतलब आप एक पूरा पेज ले लीजिए और दूसरे पेज का भी आप 1/4 हिस्सा आप लेकर के आप इस क्वेश्चन को आंसर करें. सेकेंड बात अब आ जाते हैं दैट हाउ इज वी हैव टू जस्टिफाई दैट हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी. इसको जस्टिफाई करना है. पहले वो सारे प्रोविजन जो कि बताते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी कहाँ से आती है. द बिगेस्ट प्रोविजन विच एड्स टू द रिजिडिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को लाया था और बोला था पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकता है, सब बदल सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकता है. इवन दो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आज वो चीज बन गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा रिजिडिटी देता है. तो पहली बात आप ये लिखेंगे. दूसरी बात लिखेंगे
कि कुछ जो आर्टिकल 368 में देर आर द फेडरल प्रोविजंस जिनको चेंज करने के लिए हमारी पार्लियामेंट को नॉट ओनली स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है बट स्टेट गवर्नमेंट की हाफ द स्टेट्स को रेटिफिकेशन भी करना होता है. नाउ दिस प्रोविजन इज एडिंग टू द रिजिडिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और रिजिड कर देता है. आप इसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं. एग्जाम्पल है प्रेसिडेंट को किस तरह से इलेक्ट करना होता है, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, दैट मीन्स कि किसी लिस्ट में चेंजेस करना. ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट से भी रेटिफिकेशन करना पड़ेगा. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि रिजिड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इज द फैक्ट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट टू इट इज़ अ लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली मैंशनड है. कोई भी कहीं बहुत मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ को क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, अच्छे से मेंशन करा गया है. तो उससे क्या होता है कि जो किसी भी काम को करने का जो तरीका है वो आउटलाइंड है कि ये चीज़ ऐसे ही करनी है. और अगर कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट होता है या पार्लियामेंट का कोई अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में जो किसी दूसरे प्रोविजन को वायलेट कर रहा होता है तो तुरंत उस चीज़ का जुडिशियल रिव्यू हो जाता है. मतलब लोग उसको उस चीज़ को लेकर के अदालत में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और केस कर देते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है वेदर दैट अमेंडमेंट इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज नॉट वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली हर चीज को मेंशन कर रहा है. इट इज डिटेलिंग द पॉलिटी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है इन लेटर एंड इन स्पिरिट. अगर इनसे थोड़ा सा भी अलग हटते हैं तो तुरंत जुडिशियल रिव्यू हो जाता है और जुडिशियल रिव्यू के केस में जो एक्ट होता है, अमेंडमेंट एक्ट होता है, वो रिजेक्ट भी हो जाता है. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीन चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड करती हैं. आइए देखते हैं वो चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाती है. सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 नॉन फेडरल क्लॉजेस के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है कि पार्लियामेंट अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर देता है तो वो चीज़ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक्सेप्ट हो जाएगी इफ़ इट इज़ अ नॉन फेडरल इशू. सो इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है 44th अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू प्रॉपर्टी विच वॉज अ फंडामेंटल राइट, इट वॉज मेड टू अ नॉर्मल लीगल राइट, इसको बना दिया गया था. दैट वॉज डन एज पर द आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 44th अमेंडमेंट एक्ट में इसको कर दिया गया था. दूसरा होता है बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट हैं जो कि आर्टिकल 368 का पार्ट भी नहीं होते हैं बट उनको सिंपल मेजॉरिटी से ही पास कर दिया जाता है. इसमें एग्जाम्पल होता है कि जो स्टेट्स होती है उनकी बाउंड्रीज चेंज कर देना, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का क्रिएशन या हटा देना. इसी में सबसे बड़ा इशू है 2014 में आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था जिसमें आंध्र प्रदेश को दो स्टेट्स में तोड़ दिया गया था, इन द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. इन दोनों स्टेट्स में तोड़ा गया था एंड इट वॉज वाइडली अपोज्ड बाय द आंध्र प्रदेश पीपल. लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर थी और पार्लियामेंट ने इसको ऐसा कर दिया था. दैट इज कंसिडर्ड दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी फ्लेक्सिबल इन दिस नेचर. पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है इसको तोड़ देने की. सो ये दोनों पॉइंट जो हैं ये मैंने वही सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, दोनों को मिला करके मैंने आपको बता दिया. आइए और पॉइंट देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी इस बात पर भी है कि बहुत सारी चीज़ों में पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि पार्लियामेंट अपने लॉज बना सकता है. जैसे कि अगर आप पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखें जहां पर सिटीजनशिप की बात होती है तो पहले कुछ जो एक्ट क्लॉजेज है कॉन्स्टिट्यूशन के वहां पर क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कौन सिटीजन होगा कौन नहीं होगा. बट व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 11 में आकर के बोल देता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है सिटीजनशिप को डिफाइन करने की एंड एज अ रिजल्ट जो पहले के क्लॉज है उनका बहुत कोई रेलिवेंस नहीं रह जाता है. तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद को बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया है. कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 11 के थ्रू पार्लियामेंट को पावर दे दी है कि अब आप सिटीजनशिप के साथ चेंजेस कर सकते हैं. दैट एज अ रिजल्ट वी आर सीइंग दैट पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो अभी लेकर के आ गए थे लास्ट ईयर, जिस पर बहुत ज़्यादा पूरी कंट्री में और पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा एजिटेशन भी हुआ था. सो दैट वॉज एन एग्जाम्पल किस तरह से सिटीजनशिप जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है इशू उसको पार्लियामेंट को पावर देकर के कितना फ्लेक्सिबल कर दिया गया है.
सिमिलरली आर्टिकल 22 में भी ये पावर है. आर्टिकल 22 में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रोविजंस हैं उसमें भी पहले कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है दैट व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन. बट आफ्टर दैट पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों को ये पावर दे दी जाती है कि आप इसके ऊपर प्रोविजंस बना सकते हैं. तो अगेन खुद को बहुत फ्लेक्सिबल कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन बाय गिविंग द पावर्स टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स इन सच केसेस. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात है कि वो एक्स्ट्रा पावर्स देता है और इस वजह से फ्लेक्सिबल हो जाता है. इसके अलावा एक बड़ी बात है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन को आज के सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से उसने चीजों को लगाया है. मैं इस बात को एग्जांपल से बताता हूं. देखिए आज के टाइम पर राइट टू प्राइवेसी एक बड़ा इशू था. राइट, आप सबको पता है कि प्राइवेसी होनी चाहिए, हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है. इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट करके राइट टू प्राइवेसी को उसका पार्ट बना डाला. एज अ रिजल्ट वी आर सीइंग दैट कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल है कि उसके प्रोविजंस को इंटरप्रेट करके आज के जो बदलते हुए सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांस हैं उसके आधार पर हम लोग इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं. इसी का एग्जांपल है सबरीमाला केस में भी विमेन को राइट दे दिए गए थे कि दे कैन गो टू द टेम्पल. अगेन वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करा सुप्रीम कोर्ट ने इन दिस वे दैट इट वॉज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द विमेन. सो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में फ्लेक्सिबल है कि उसके इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलते हुए सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर नई नई चीजें उसमें ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं विदाउट इवन मेकिंग द चेंजेस. रियल चेंजेस करे बिना सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर लेता है. दैट इज ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो हम समझ सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, और यही बात हम कंक्लूजन में अब लिखेंगे. कंक्लूजन में लिखेंगे दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली अ सिंथेसिस ऑफ और अ ब्लेंड ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं. देखिए आंसर पॉलिटी का है. बेसिक पॉलिटी में आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको पॉइंट में या डायग्राम में चीज़ें नहीं देनी होती हैं, आपको चीज़ें लिख लिख के करनी होती हैं, एक्सप्लेन करना होता है. जैसा मैंने यहाँ पर भी पॉइंट्स में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा है. जनरली आप देखते हैं जब मैं डिस्कशन करता हूँ तो केवल पॉइंट में दे देता हूँ, बट यहाँ पर पॉइंट देने से काम नहीं चलेगा. यह आंसर पॉलिटी का है और पॉलिटी में चीज़ों को लिख लिख करके एक्सप्लेन करना पड़ता है. तो यहां पर आप वैसे ही इसको अप्रोच करेंगे. दिस इज इट फॉर टुडे सेशन. थैंक यू.